गुड़हल के फूल दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही सेहत के लिए लाभकारी भी माने जाते हैं। जी हाँ, अक्सर पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गुड़हल के फूल आपकी सेहत को भी कई तरह के फ़ायदे पहुँचा सकते हैं। आयुर्वेद में सदियों से इन फूलों का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता रहा है। पूर्व आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर आशुतोष पंत ने बताया कि गुड़हल की चाय स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छी होती है, विशेषकर महिलाओं के लिए। अगर किसी को अनियमित पीरियड्स की शिकायत है तो उनके लिए यह रामबाण का काम करती है। जी हाँ, महिलाओं में पीरियड्स को रेगुलर बनाए रखने के लिए गुड़हल बहुत ही फायदेमंद होता है। महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल के कम होने से हार्मोन्स को बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे पीरियड्स सही समय पर नहीं होते हैं। लेकिन गुड़हल के इस्तेमाल से पीरियड्स में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। तो आइए सुनिए डॉक्टर आशुतोष पंत ने आगे इस बारे में क्या बताया। गुड़हल लगभग पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। इसके फूलों की पंखुड़ियों का अगर चाय के में उबाल करके इस्तेमाल किया जाए तो स्त्रियों में जो मासिक धर्म में पीरियड्स में जो इरेगुलरिटी हो जाती है, अनियमितता हो जाती है, उसको ठीक करता है या हार्मोन बैलेंस करता है। इसके अलावा इसके फूलों को घी में भूनकर, देसी घी में भूनकर और उसमें खांड मिलाकर समान मात्रा में और उसका पाउडर रख लिया जाए और एक एक चम्मच सुबह शाम खाया जाए तो वो भी मासिक धर्म को नियमित करने में फायदा करता है। इसके अलावा इसके पत्तों का काढ़ा अतिसार में यानी डिसेंट्री में काम आता है। काढ़े से रक्त अतिसार यानी ब्लीडिंग डिसेंट्री, अगर डिसेंट्री के साथ अगर अतिसार के साथ में बार बार आदमी को जो है खून भी आता है थोड़ा बहुत, तो वो उसमें भी लाभ करता है। रक्तार्श कहते हैं जिसे, ब्लीडिंग पाइल्स, उसमें भी लाभ करता है। इसके फूल गंजेपन को भी दूर करने में काम आते हैं। अगर इसके फूलों की पत्तों की लुगदी बनाई जाए और सिर में लगा करके आधा घंटा रखा जाए, उसके बाद सिर धोया जाए तो ये गंजापन और बालों का झड़ना उसको रोकता है। साथ साथ जो सिर में रूसी होती है, डैंड्रफ, उसको भी कम करता है। इसके फूलों से तेल बनाया जाता है जो कि सिर के बालों का झड़ना रोकता है, गंजापन ठीक करता है।